दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हरियाणा हमारे देश का एक गौरवशाली राज्य। इस राज्य की गोद में बसा है रोहतक। जहां सर्दियों के मौसम में सुबह कोहरे की मखमली शॉल लपेटे कभी नीम नीम कभी शहद शहद मुस्कुराती है, जहां सूरज अल सुबह रोशनी के सिक्के लुटाता है, इसी जिले में एक मीठा सा गांव है मारोली जट्टान। जहां हरियाली मध्यम मध्यम सुर में जिंदगी के राग सुनाती है, जहां आज भी बड़े बुजुर्ग हुक्के की गुड़गुड़ाहट में गमों के धुएं को उड़ाते हैं और खुशियों की सौंधी फसलें उगाते हैं। इसी गांव के एक साधारण किसान किले चंद और रिसाला देवी के घर 7 अप्रैल 1968 को एक ध्रुव तारे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नरसी ग्रेवाल। नरसी जी को बचपन से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर की छोटी सी किसानी थी, सो भैंस पालकर दूध बेचकर जिंदगी के लिए निवाले तलाशने पड़ते थे। नरसी जी स्कूल जाने लायक हुए तो उनका प्रवेश गांव के ही सरकारी स्कूल में करा दिया गया। वे स्कूल से घर लौटते तो भैंस चराने चले जाया करते। भैंसों को चराते चराते ही स्कूल का सबक याद करते, पढ़ाई किया करते। ये दौर उनके हाई स्कूल तक चला। वे किताबों के साथ लंबा सफर तय करना चाहते थे, पर घर के हालात सावन में सूखे जैसे थे। 17 के होने पर आखिर उन्हें फौज में नौकरी मिल ही गई। इसी दौरान 1990 को नरसी जी का विवाह श्रीमती सुनीता देवी से हो गया, जो एक कुशल गृहिणी और संवेदनशील महिला है। फौज की नौकरी का सफर दिसंबर 2002 तक चला। जिंदगी की कठोरतम सच्चाइयों, घरेलू जरूरतों और बेनाम जिंदगी से खिन्न नरसी जी को आखिर वो प्लेटफॉर्म मिल ही गया, जहां से वे आम से खास, साधारण से असाधारण नायक बनने का सफर तय करने वाले थे। और वो प्लेटफॉर्म था सिक्योर लाइफ बिजनेस, जहां आकर उन्होंने अपने मुकद्दर का हर सफ़ा खुद लिखा। खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं, जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं, तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं, सिक्योर लाइफ रोशन करे, सिक्योर सबकी लाइफ करे, सबको दे सबसे सक्सेस आज उनके पास बेशुमार दौलत है, मान है, सम्मान है, एक उत्कृष्ट और संतुष्ट जीवन है, और ये सिर्फ सिक्योर लाइफ की वजह से संभव हो पाया। सिक्योर लाइफ मानने के बाद इतनी खुशियां मिली, इतना सम्मान मिला हमें, जी भर के तो खा पी लिया और ओट पहन भी लिया, और विदेश वगैरह जो यात्रा होती हैं बहुत सारी कर चुके हैं। बच्चों को चाहती थी मैं, पहले बिल्कुल छोटे से छोटे 30-40 रुपए फीस लगती थी, वहाँ भेजती थी, और स्कूल लाइफ माने के बाद बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में, जो पूरे रोहतक में बड़ा है, DPS में पढ़ा दिया, और इनको जो चाहते हैं बाजार में जाते हैं, बड़े से बड़े शोरूम में जाते हैं, और जिस पर उंगली लगाते हैं वही चीज़ दिला देते हैं।
उनकी वजह से ही आज मैं इतने अच्छे स्कूल से पास आउट हो चुकी हूँ, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले मैं एक डल लाइफ जी रही थी, बहुत ही पुअर टाइप में कह सकते हैं, जिससे कि आज की रईसे और सक्सेस का कोई मतलब नॉलेज नहीं थी ये बोल सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि मेरे पापा एक इतने अच्छे मोटिवेटर हैं, आजकल वो इतने अच्छे स्पीकर हैं, इतनी बड़ी पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि अगर आज कोई बंदा उनसे बात करे, उनसे मिले और उनसे ये नॉलेज पाए, तो वो भी एक अच्छा लाइफस्टाइल पा सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है और अपनी मंजिलें पा सकता है। और मैं यही कहूँगी कि वेल विशेस टू माई फादर एंड मे ही लिव लॉन्ग। थैंक यू। माई सेल्फ अंकु ग्रेवाल, माई फादर नरसिंह ग्रेवाल इज़ ए बिग मोटिवेटर, बिग स्पीकर। अगर कोई उनकी उनकी स्पीच सुन ले, मोटिवेशन स्पीच सुन ले, तो वो बंदा कभी व्यक्ति से कभी असफल नहीं हो सकता ज़िंदगी में। वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने लायक हो जाता है। मैं जो सपने सोचता हूँ उससे पहले ही मेरे पापा वो सपने साकार कर देते हैं। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसे पापा मिले जिन्होंने मेरे लाइफ ये बदल दी। थैंक यू। तो आज ग्रेवाल सर हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, और मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा फख्र की बात है कि हमें एक ऐसे आप जैसे मेंटर के रूप में एक गुरु मिले, और बिना गुरु के कुछ होने वाला है नहीं। तो आज सिक्योर लाइफ बिजनेस में अगर मैं डायमंड हूँ या डबल डायमंड बनने वाला हूँ, तो इसके पीछे बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे मेंटर्स को जाता है, उन मेंटर्स में से ग्रेवाल जी आप हैं। तो मैं ज़रूर आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच, और वी लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों मेरी ऐसी पोजीशन नहीं थी, ग्रेवाल सर का अगर साथ नहीं मिलता, अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो इस पोजीशन पर शायद हम नहीं पहुंच पाते, इस जिंदगी के हम ख्वाब भी शायद नहीं देख पाते। आज जिस जिंदगी को हम जिस रॉयल फीलिंग के साथ में हम जी रहे हैं, और दोस्तों मैं ही नहीं जी रहा, मेरी टीम हजारों लोग साथ में ऐसे हैं जिनको हम ये रॉयल फीलिंग दिला पा रहे हैं। तो आज इन्हीं की वजह से, जो मेरे सामने बैठे हुए इंसान की वजह से दोस्तों दिला पा रहे हैं, वो ग्रेवाल सर की वजह से दिला पा रहे हैं। दोस्तों मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ग्रेवाल सर की अगर बात करें तो वो एक यूनिक पर्सन, एक ऐसे मेंटर के रूप में हमें मिले जिनको आदर्श मान करके काम किया, उनमें से एक आदर्श, जो यूनिक आदर्श हैं जिनको फॉलो करके आज यहां तक हम पहुंचे। अपनी कठोर मेहनत के कारण नरसिंह जी डायमंड, डबल डायमंड और वीनस बने। आज वे सम्मानी जिंदगी जी रहे हैं पूरे ऐशो आराम के साथ। आज वे अपने परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा करते हैं, मन मुताबिक शॉपिंग करते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में खुशियां मनाते हैं। कभी साइकिल में चलने वाले नरसिंह ग्रेवाल जी आज अपनी पसंद की कारों में सफर करते हैं। जमीन से आसमां तक का सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन नरसिंह जी ने इस सोच को बदल कर दिखा दिया। नरसिंह जी एक जीवित और जिंदा मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को जागती आंखों से देखते हैं। नरसिंह जी आने वाली नस्लों के लिए एक सशक्त उदाहरण है।